Hello all my viewers, welcome back. And today we will study how to calculate the time constant of RC circuit. So let's suppose एक circuit given है हमको, जिसमें simple एक resistance है, एक capacitance है. तो हमको यहाँ पे अगर time constant निकालना होता है, तो we know that the time constant tau is equal to R into C. Simple R क्या है resistance, C क्या capacitance. आप इन दोनों कर दो multiply, आपको मिल जाएगा time constant. लेकिन अगर circuit बहुत complex है, जैसे कि सर्किट ये हमारे पास, ठीक, और आपको यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे परेशानी है कि यहाँ पे कोई आर एक तो है, आर बहुत सारा है, तो किसे निकालना है इसका. तो करना क्या है इसमें, सिंपल फंडे से हमें इसका टाइम कॉन्स्टेंट निकालने के लिए टाउ इज इक्वल टू, हम बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू आर नेट इंटू सी. व्हाट इज आर नेट, आर नेट क्या है, आर नेट इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस सी. सी के अक्रॉस सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आर नेट. अगर हम आर नेट को निकाल के यहां पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि निकालेंगे से, तो हाउ टू कैलकुलेट, बहुत इजी मेथड है. इससे आप बहुत इजीली किसी भी सर्किट का आर नेट निकाल, हो आर नेट या फिर टाउ निकाल सकते हो. कैसे करना है, ओपन द लोड टर्मिनल्स, नॉट लोड, ओपन द कैपेसिटर टर्मिनल्स एंड शॉर्ट सर्किट द बैटरीज. कैपेसिटर को ओपन कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो एंड फाइंड आर नेट अक्रॉस कैपेसिटर. और कैपेसिटर के अक्रॉस आर नेट निकाल लो. ऐसा हमने क्यों किया, हमें करना क्या, हमें करना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये पूरा सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको निकालना है. तो वी नो दैट की जो बैटरी है वो तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर नहीं रही होगी, जो उसका इंटरनल होगा वो कर रहा होगा, खाली बैटरी तो कुछ नहीं करेगी. तो बैटरी को मटके से शॉर्ट कर देते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है. हमारा पर्पस खाली अभी इस पार्ट में इतना है कि हमें सिर्फ आर नेट निकालना है और कुछ मतलब नहीं है, चाहे बैटरी लगी हो कैपेसिटेंस लगाओ, और इसके अक्रॉस सारा रेजिस्टेंस जितना भी है उन सबको निकालना है कितना ऑफर कर रहा होगा. तो अगर जो मैं लिखा है उसको अप्लाई करता हूँ, क्या करना है इसमें, बैटरी को कर दो शॉर्ट. शॉर्ट का मतलब क्या है, बैटरी को रिप्लेस कर दो सिंपल एक वायर से, ठीक. और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस ये भी हो गया, एक ये हो गया, और तो कर दिया हमने ऊपर. अब मुझे इसके क्रॉस निकालना, तो दिस इज वेरी सिंपल. मैंने बैटरी को शॉर्ट कर दिया, इसको ओपन कर दिया. अब ये आर और ये आर, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा इनका, दिस इज इक्वल टू आर बाय टू, फिर ये बचेगा आर. अभी दोनों सीरीज में तो आर नेट आएगा हमारे पास 3R/2. हमने ऐड कर लिया इसको एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट टाउ. टाउ इज इक्वल टू आर नेट इनटू सी इज इक्वल टू 3R/2 इनटू सी. तो बहुत इजी मेथड है और इससे हम इजीली किसी भी सर्किट का, चाहे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, बहुत इजीली निकाल सकते हैं. तो दिस इज टाउ. अब मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है इसको. सो लेट सपोज वी टेक क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं. एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये एक और एक रेजिस्टेंस. वैसे यहाँ पे निकालना है आपको, ये दिस इज सी, टू टू 4 and this is 4 volt and this is 6 volt. अब हमको यहाँ निकालना है कि find, let's suppose we have to find tau. तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत easy है. फिर से फंडा भाई, tau निकालना है तो we know that tau is equal to R net into C. R net निकालना है तो क्या करना होता,
जितनी बैटरी बनी हुई है सबको कर दो शॉर्ट और कैपेसिटर को कर दो ओपन, कर दिया ओपन, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट क्यों किया? क्योंकि तो बैटरी कोई रीजन ऑफर नहीं कर रही, जो उसका इंटरनल होगा उसको ले लिया, बैटरी को हटा दिया। यहाँ भी सेम, इवन दो नहीं कितनी बैटरी भी हो आपको सबको शॉर्ट करना है। तो फोर फोर टू एंड टू सॉल्व करते हैं इसको। तो दीज फोर टू फोर एंड फोर आर इन पैरल, दिस इज इक्वल टू ये हमारा टू हो गया, फोर पैरल फोर एंड दिस इज टू फिर ये टू और ये टू फिर से पैरेलल, तो इनका आगे टू पैरेलल टू कितना हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू वन एंड दिस टू। ये वन हो गया हमारे पास, अब दोनों सीरीज में आ गए तो आर नेट आ गया हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू थ्री ओम एंड हियर टाउ इज इक्वल टू आर नेट इनटू सी एंड दिस इज इक्वल टू थ्री सी। तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं इसको, किसी भी सर्किट में टाइम कॉन्स्टेंट किसी निकाल सकते हैं। अगर सर्किट में तो एक कैपेसिटर हो तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, अगर एक से ज्यादा हो जैसे कि आपको दे रखा है लेट सपोज सर्किट ऐसा है, एक से ज्यादा होगा तो आपको हमेशा एक कैपेसिटर कॉम्बिनेशन गिवन होगा, जैसे कि ये गिवन है सी। वो यहाँ पे निकालना है जैसे फाइंड टाउ, तो कुछ नहीं करना सिंपल, ये तीनों सी पैरल में है तो पैरल में कर लो इनको, ऐसे ये भी आर है ये भी आर है तो आर आर पैरल में कर लिया, ये हो गया आर बाय टू सी और सी पैरल में, फिर बन गया हमारे पास कितना दिस इज इक्वल टू थ्री सी, बस अब एक आर एक सी तो टाउ आ गया हमारे पास आर इंटू सी दिस इज इक्वल टू आर बाय टू इंटू थ्री सी दिस इज इक्वल टू थ्री आर सी। इस तरीके से हम किसी भी सर्किट का बहुत इजीली टाइम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं, और होपफुली ये पढ़ के आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स।